में छोड़ने यार। आपने नहीं सुना मंडी मंडी की करेंसी कौन सी है, वो कहते हैं डॉलर और यूरो, तो वे तो चलते नहीं है मंडी में, डॉलर यूरो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छे सेंटर जनता की यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका होस्ट हुज़ैफ़ा साजिद और हंजला भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हमारे पीछे जो खड़ी है हमारी हंटिंग पार्टनर बजफरा वो खड़ी है। आज जो है इसे थोड़ा सा जो है वो डेकोरेट करना है। गन आपने देखी, गन हमने काफी ज्यादा उसके ऊपर जो है वो काम किया, करते रहते हैं गन्स पे। तो मैंने सोचा कि जो है ना जो सवारी है वो भी एक बड़ी बहुत बड़ी नेमत होती है अगर वो अच्छा काम करे तो, ठीक है। अगर रास्ते में अकड़ जाए कहे जी मैं बस, आप जो है पहले मैं खींचती रही हूँ अब आप मुझे खींचे, तो फिर जो है वो बंदे की जो है वो बस हो जाती है, भूख बंदे की निकल जाती है। तो आज हम इसे लेके जा रहे हैं थोड़ा सा डेकोरेट करना। अभी इसके ऊपर बुरका डाला हुआ है, पर्देदार हमारी जो है वो बाजी फरा है। तो आज हमारे साथ जो है वो लाइट है, एक ये लाइट है, बार लाइट है, वो भी इंशाल्लाह निकाल के दिखाएंगे आपको। और ये आगे से थोड़ी सी जो है वो नंगी है, ये चेक करें, ये टाइयां लगा के जो है वो हमने इसे आगे से जो है वो बांधा हुआ है इस तरह से कुछ अब हुई है। पहले जो है वो कुछ और तरह थी, वो भी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। पहले कुछ इस तरह थी लेकिन अब जो है वो कुछ इस तरह से हो चुकी है। ये उतरवाया है कल मैंने, इसका फ्रंट जो है वो ओरिजिनल बम्पर उतरवा दिया है। और अभी हम जा रहे हैं खारियां, ठीक है। वहां पर हमने जो वो तकरीबन 15 दिन पहले जो है वो ऑर्डर दे दिया था बुलबार बम्पर का, ठीक है, ब्लैक कलर में। अभी उधर जा रहा है तो मैंने सोचा जाने से पहले भी एक छोटी सी वीडियो जो है वो आपको बता दिया जाए कि हमने जो है वो काम क्या करवाना है। बम्पर लगवाएंगे और बार लाइट लगवाएंगे, देखेंगे पूरे फ्रंट पे छत पे लगेगी या के सामने जो है वो बम्पर के ऊपर जो है वो बम्पर पे लगेगी, खूबसूरत लगेगी। हमने मशवरा किया था उसमें, उन्होंने बोला कि जो है ना वो छत पे लगाएंगे, जब फॉग पड़ते हैं या धुंध पड़ती है तो ऊपर से जब लाइट पड़ेगी तो ड्राइवर जो है उसे भी कुछ नजर नहीं आएगा। लाडो रानी की चाबी मैं देता हूँ जी, अभी देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मेरी जेब में रखा हुआ नाम फरा और मैंने नाम रखा बस जी प्यार से, कभी लाडो कह लेते हैं कभी फरा, ये लें जी लावे चाबी लें। तो ये देखिए ये फुल जो है वो रिमोट कंट्रोल जो है वो लगाया हुआ है। तो भी अनला भाई जो है रिवर्स करते हैं, अनला भाई आप रिवर्स करेंगे गाड़ी का, मैं करूँ, चले करें जी माशाल्लाह। अभी ये बुरका उतर गया, चेक करें माशाल्लाह ऐसे सेंटर्स का जो है वो लोगो लगा हुआ है। अभी अनला भाई साइड में सेंड कर रहे हैं, गंदी हुई है हमारी पर नहाने वाली है, एक दफा बम्पर लगवा लें तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसे अच्छी तरह से गुसल देंगे और खूबसूरत लगेगी जी। दोस्तों मैं करूंगा ड्राइव और बिस्मिल्लाह जी, परफेक्ट मोमो का स्टेयरिंग व्हील जो है वो लगा हुआ है माशाल्लाह। चले भाई बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह, हमारी फरा बड़ी स्मूथ चलती है माशाल्लाह बेहतरीन। प्यार लाड से रखा हो ना चीज जो ना अच्छे से चलती है। बिल्कुल लाडो नाम इसीलिए रखा ना यार, कभी फरा बुला लिया कभी लाडो रानू बुला लिया, वैसे फरा से ज्यादा बेहतर है लाडो। चले जी, जी दोस्तों आप बताइए क्या नाम होना चाहिए गाड़ी का, फरा होना चाहिए कि लाडो होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या नाम जो है वो रखे अपनी लाडो रानी का या फिर फरा का। चले जी सफर का आगाज हो गया, इंशाल्लाह रास्ते में फिर आपसे बात करते रहेंगे, अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। सैलाब आ गए यार, क्या बताऊ इतना पानी आगे देखे। वेखो ना साडी गड्डी नूं टेंशन है, करोला लैण टेंशन है, छिट्टा आणा पै साडी गड्डी छड़कणी जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं है।
ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਲਾਡੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਲਾਡੋ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਕੋ ਪਰਵਾਹ ਪਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਲੇ ਵਾਲ ਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੱਪਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੂਟ ਗੱਡੀ ਲਾਡੋ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਗਰ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦਿਲੇ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਠੁੱਕ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੱਠੇ ਗੱਡੋ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਘਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਯਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਡੋ ਰੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਅੱਲਾ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਡ ਕੋਈ ਜੀਪ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਵੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂਕਿ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਦੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦਣ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨੇ ਬੰਪਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਘੁੱਗੀ ਵੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਘੁੱਗੀ ਬੈਠ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ 11 ਵਜੇ ਪੈਦਾ ਸਭ ਸਭ ਆਏ ਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਾਣ ਪਹਾੜੇ ਚ ਸਰਦੀ ਚ ਖਾਣਾ ਗਰਮੀ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਗੁਨਾਹ ਲਾ ਦਿਓ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗਾਇਆ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕੈਸੀ ਬਾਤੇਂ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਧਰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਤੋ ਫਾਲੀਆਂ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਮੁਤਾਤਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਗਾਹ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੋ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਕੋ ਬੰਦੋ ਨੇ ਵਿਗਾੜਤੇ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੀਨਗਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਥਾ ਅਬ ਇਹ ਇਸਕੋ ਡਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆ ਡਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆ ਚਲੇ ਇਹ ਵਾਕੀ ਡਿੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਜੰਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਂਦਰੇ ਫੁੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੁਬਹ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਉਲਟੀ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਬਾਈ ਅਬ ਇਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਬਰਗਰ ਨਾ ਬਣੇ ਜੰਪ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਜੰਪ ਇਤਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਹਮਾਰਾ ਆਧਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੋ ਸਾ ਵੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਆਧਾ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਯਾਰ ਹੋਤਾ ਰਹਤਾ ਐਸੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਰਦੂ ਔਰ ਜੋ ਅਬਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਵੋ ਅਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕੌਨ ਸੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ
चले जी अबाई कौन सी दुकान कहते हैं अबाई दुकान कौन सी अबाई दुकान होती है यार, कमेंट में बताएं बताएं किसी को पता है तो जी बता दे जी अबाई दुकान किसे कहते हैं, मेरे मुंह में जो है मैंने बोल दिया। अंजला भाई आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये डिंगे का बाजार है, डिंगा ये एंट्रेंस एंट्रेंस है, डिंगा बाजार आगे से आ रहा है, काफी बड़ा शहर है ये भाई, ज्यादातर आवाम बाहर है डिंगे की जी, अभी अभी एंटर होते हैं ना बाजार में देखो रश होता है, खाता पीता शहर है। वैसे सफाई यार जो फालिया में है ना अंजला भाई यार, फालिया 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 ब्रांड है, किसी भी शहर में चले जाए सड़कें टूटी हुई है यहाँ की निकासी का निजाम को नहीं, लेकिन फालिया यार जावा साहब फालिया ब्रांड है, मंडी वाले यार मंडी वाले मंडी वाले सुना होगा दोस्तों आपने, ये भी मंडी वाले यहाँ से भाई बाट और जोत भी मंडी वाले में चुने यार, आपने नहीं सुना मंडी मंडी की करेंसी कौन सी है, वो कहते हैं डॉलर और यूरो तो वे तो चलते नहीं है मंडी में, डॉलर यूरो चलते ठीक है, डॉलर और यूरो यहाँ की करेंसी है, इस तरह होता है ना एक भरा बाहर होता ना तो दूसरे भरा को पूछिए ना हाँ भाई जना की करना है, वो इंज मुछ नु ता दे के आता भरा बाहर होता है इंज मुछ नु ता देंदा इंज करके यार मेरी छोटिया ही है ना यार कैमरा अपने का दोस्तों भी किधर पहुंचे अंजला भाई, पिंडी सुल्तानपुर खारिया से दो तीन किलोमीटर पहले, खारिया से तीन किलोमीटर पहले आगे जो है वो मेन आ रही है जीटी रोड, उससे पहले जो है मैं उतर रहा हूँ, समझ गया ना मैं क्यों उतर रहा हूँ, अभी नहीं बना हुआ। हाँ जी अभी भाई जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ रहे हैं माशाल्लाह, और मैं जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह जी हमारे ड्राइवर चेंज हो चुके हैं और चलें जी अंजला भाई, हैंड ब्रेक नीचे करें और बिस्मिल्लाह करें जी माशाल्लाह उस तरफ से देख के चलें जी, अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट अपने हिसाब से ठीक है ठीक है, सीट थोड़ी सी पीछे चलें यार, इस सीट पर गर्मी है, असल में उस तरफ से धूप पड़ रही है, गर्मी है साइड उस तरफ से ना धूप आ रही है जिस वजह से गर्मी लग रही है। जी अंजला भाई पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आ गया जी पैराडाइज बम्पर, ये चेक करें और गुड हो गया अंजला भाई, लॉक खोलें खुल गया, हैंड ब्रेक चूक दें, चलो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। जी क्या हुआ अंजला भाई, किधर किया आपने, नहीं मेरे पास तो नहीं है, ये वो रहा है कर, ये उसकी डोर लॉक की है, डोर स्विच की, किधर है वॉलेट देखें, चलो आप पहुंचो मैं आता हूँ, चलते हैं मिल के चलते हैं, लाइट पकड़ लें, इसके साथ था चेक करें लाइट के साथ हुआ मिल गया चले जी अंगा भाई, ये गाड़ी जिसे निकलती है तो करें जी किधर जी, ये हैं जी सारे भाई जी इनके पास आए हैं बम्पर लगवाने के लिए, ये जो है ना इनकी शॉप है पैराडाइज बम्पर के नाम से, जीटी रोड मेन जो है वो खारियां, जैसे ही खारियां में एंटर होते हैं डिंगा की तरफ से तो इनकी जो है ये शॉप आती है, तो कीर अलाइनमेंट के साथ ही पैराडाइज जो है वो बम्पर नाम से शॉप है इनकी, और ये सिर्फ जो है वो बम्पर ही बनाते हैं, ये चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें ये बन रहा बम्पर,
तरह का ही जो है वो बुल बार इंशाल्लाह बनेगा। अल्लाह भाई इधर कर लें, अभी गाड़ी इधर जो है वो करने लगे हैं। ये अपना चैनल है ना जी। जी भजन क्या हाल है? ठीक है। ये मैनेजर है जी? ठीक हो गया जी। सर क्या हाल है? ठीक है। सेहत भी ठीक है? छोटा भाई ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है? ठीक है जी। ये सारे जो है वो इधर वर्कशॉप में ही काम करते हैं माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि जिधर टैलेंट हो उसे प्रमोट करना चाहिए, तो वही जो कर रहे हैं। जी दोस्तों अभी ये चेक कर रहे हैं, साइज साइज चेक हो रहा है, अभी बन गया रहा है। ये लगेगा और ये अभी साइज चेक कर रहे हैं फिटिंग के लिए। ये दोस्तों 20 के कोने वगैरह लग रहे हैं, फिटिंग हो गई है। ये इंडिकेटर के लिए जगह बन रही है जो इशारे लग रहे हैं। पर अभी ये फाइनल टच पाइप वगैरह जो है वो लग चुके हैं ऊपर, ठीक है, और फाइनल टच लग रहा है, रगड़ाई कर रहा है ताकि ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाए कलर हो, तो बिल्कुल जो है वो मुलायम जो है वो हो जाए कलर। अभी ये कलर करने से पहले जो है ये रेग माल से इसको मजीद जो है वो प्लेन कर रहे हैं रेग माल के ज़रिए से, बिल्कुल जो खूबसूरत सी फिनिशिंग हो जाए। और ये फिलिंग वगैरह कर रहे हैं जो थोड़े बहुत सुराख रह जाते हैं। उसके बाद ये अभी पाउडर कोटिंग, आपने देखा होगा कि कलर करते हैं वो पेंट वाला, ये बिल्कुल वैसा कलर नहीं है, ये जेन्युइन ऑस्ट्रेलिया का कलर है। ये कलर होता है पाउडर कलर, इस कलर को पाउडर कलर कहते हैं। अभी ये जस्ट पाउडर जो है वो इसके ऊपर लग रहा है, बिल्कुल कच्चा कलर है। ऐसे हाथ लगाएंगे तो जैसे पाउडर होता है वैसे कलर हाथ को जो है वो लग जाएगा। ये पाउडर कोटिंग करने के बाद अच्छी तरह से पाउडर जब लग जाएगा तो इसे जो है वो फिर 250 डिग्री सेल्सियस पर आग में पकाएंगे ताकि ये इस जो लोहा है और कलर एक हो जाए, ठीक है, इससे जंग वगैरह वो उतरने का कोई ख़तरा ना रह जाए। ये दोस्तों अभी जो है फुल पाउडर जो है वो इसके ऊपर चढ़ चुका है और भट्टी में आग जो है वो जला दी गई है फुल। अभी जो है इसे बंद करेंगे भट्टी के अंदर और 250 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इसे गर्म करेंगे। तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट इसे जो है इसी भट्टी में रखेंगे और ताकि अच्छी तरह से कलर जो है वो इसके ऊपर मजबूत हो जाए। ये देखिए ये गेज लगी है जो हमें टेम्परेचर बताती है कि फिलहाल जो है वो कितना टेम्परेचर। जी दोस्तों ये चेक करें, अभी जो है ये बेक हो रहा है और टेम्परेचर आपको दिखाएं तो ये अभी तकरीबन 150 डिग्री तक जो है वो पहुंच चुका है। चेक करें ये 200 डिग्री या 200। जी दोस्तों माशाल्लाह मुर्गा जो है वो बकरा तैयार हो गया है, दम पुख्त हो गया, अभी अभी बहुत गर्म है, ठीक है, नीचे आग जल रही थी दिखाया आपको, और अभी जो है वो फुल गर्म है बम्पर जो है, ये चेक करें कलर बिल्कुल बेहतरीन सा हो गया है। चेक करें माशाल्लाह जेन्युइन कलर हो गया। और अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ठंडा आता है तो गाड़ी पे फिट करते हैं। रात के जो है वो 9:30 हो चुके हैं।